कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया और कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी बिस्तर जला के राख कर दिया। कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, और भीख मांगने के तजुर्बा नहीं तो बुढ़वा से खैनी खाना सीख ले। कि विल्स पानामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, कि विल्स पानामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, लेकिन माचिस मांगते हैं बस वही बीड़ी वालों से। और इसका मजा अगर देखना है तो देखो शौचालय के हफीज खाने में, अरे दो दो घंटे मौज उड़ाते हैं ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। बीड़ी पीने वाला आदमी है ना, सुबह सवेर जब जाएगा बाथरूम तो अंदर में दो सर को धरा लेगा, दो सर का समय उतरेगा ना तो तेसर को धरा लेगा, लेकिन क्लियर करके छोड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बीड़ी पीजिए, पान खाइए, पान खा के डिजाइन बना बना कर थूकिए, और हो सके तो कैमरा वाला का मुंह पर भी थूकिए, सॉरी बोलिए चलेगा। नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ, एक दफा की बात है, मैं सहरसा जा रहा था कार्यक्रम में, और जो ही ट्रेन में बैठा हमारे सामने एक सज्जन पान खा के पूरा मुंह में पिचकारे हुए थे कि अब फेंकेंगे। जब वो फेंकना चाहते कोई ना कोई सामने आ जाता, फिर अंदर तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार बोले नहीं इस बार फेंक के छोड़ेंगे कोई सामने आ जाए। भाई साहब जो ही पिचकार बाहर फेंका, सामने से एक सज्जन नारे थे पूरा मुंह पे पड़ गया। अब भाई साहब जिसके मुंह पे पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको। हम बोले रे ससुरा दोबारा काहे थूकवा रहा। बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको, ऐसे नहीं थूकेगा ना तो नमड़ी पकड़ो लेकिन पूरा पिचकार के थूको। भाई साहब नमड़ी देकर दोबारा थुकवा लिया, मैं बगल में था, बोला भाई साहब ये नमड़ी देकर थुकवाने का माजरा क्या है। बोला तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा, हमारी बीवी कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, मैंने आदमी से थुकवा लिया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो एक बार ताली बजा दीजिए मेरे लिए भी, गरीब आदमी है। वाह, आज यहाँ के भक्तों ने कमाल ही कर दिया, कि आज यहाँ के भक्तों ने कमाल ही कर दिया। अरे तालियां बजा बजा के हम तमाम कलाकारों को माला माल ही कर दिया। बिल्कुल आप लोग अच्छे, एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। वाह, अच्छा इसमें से एक बार ईमानदारी से हाथ उठाइए जो शादी शुदा है। आप शादी शुदा है? शादी हो गई आपकी? अगर शादी नहीं हुई है, शादी करना है, एक महीने तक पुदीना पीते रहिए, शादी हो जाएगी। नहीं सच्ची बात है, शादी करनी चाहिए ना चाचा जी। देखिए मेरे हम ही को देख लीजिए कि मांग भरने की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, कि मांग भरने की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, और बीबी की मांगे पूरी करते करते देख लीजिए क्या करके खा रहा हूँ। और जब शादी करते हैं तो कभी कभी ससुराल भी जाना ही पड़ता है, और ससुराल जाना पड़ता है जब दो साल के बाद जाइएगा तो पूरा सेवा होता है ना, अनेकों प्रकार के व्यंजन आपको खिलाए जाएंगे, है ना। ऐसी ही घटना, मैं दो साल के बाद ससुराल गया और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, बुढ़िया साथ चावल बना रही थी, और जो ही मुझ पर नजर पड़ी वो अंदर चली गई। बोले ससुराई का है अंदर जा रही। भाई साहब दो साल के बाद गया, हमारे सेवा में कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए, मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में पेट गुड़गुड़ाया, मैंने जमकर खाया रात में पेट गुड़गुड़ाया। हम बोले इतना रात को इधर उधर कहा जाएंगे, लोग कहा बोलेगा। भाई साहब इधर उधर देखे ना तब बगल में एक अचार का घड़ा रखा हुआ था, नुंगी उठाया शुरू हो गया। भाई साहब एक घंटे के अंदर में वो खड़ा फूल। हम सोचे ससुरा यहाँ छोड़ेंगे तो सुबह में लोग का बोलेगा, देखो का कर दिया। भाई साहब गमछा लिया, मुंह बांधा, माथा पर लिया, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से एक चौकीदार साहब आ रहे थे डंडा लेके, बोले रे कौन है रे। बोले सर हम चोर है, चोर है ई कार। बोले सर अचारे हाथ लगा है। चौकीदार साहब बोले आचार है, जल्दी रखो भागो यहाँ से। भाई साहब मैं वहां रखा भागा, चौकीदार साहब खुश हो गए, घर गए, घरवाली से भोजपुरी में बोले सुना तारू हो आचार हाथ लगल बा खिचड़ी बनी हो। भाई साहब सुबह हुई खिचड़ी बनी, मैडम जी जो ही गमछा खोली ना बोलिए सुना तारू हो खाली बदबू ये दे रहा है। भाई साहब चौकीदार साहब बोले बदबू दे रहा, कोई बात नहीं जल्दी मसाला डाल के लाओ, अरे जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर हाथ डाली, पीस खोजने लगी।
एक भी पीस नहीं मिला। बोले सुना दारू हो, एक को पीसवा नहीं मिल रहा। चौकीदार साहब बोले कोई बात नहीं है, अरे पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर मैडम जी चौकीदार साहब के सामने रख दी। चौकीदार साहब ने जो ही पहला निवाला नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया रे, ससुरा धोखा दे गया, आचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। चौकीदार साहब बोले रे ससुरा ये अचार कहां बनाया था रे, अरे कहां बनाया था। हम बोले भगवान झूठ ना बोलाए, यहां बनाए थे और यहां से सप्लाई कर दिए। एक बार लंबे लंबे हाथ खड़े कीजिए, लंबे लंबे जिनको जिनको आचार चाहिए।